हेलो गाइस, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे फोटो सेल कर सकते हो। अब ये एक बात काफ़ी मजाकिया लगती है कि क्या रियली में हम फोटो सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। हाँ, तो आप रियली में ऐसा कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हो। और आज इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ और ऐसी वेबसाइट्स भी बताने वाला हूँ जहाँ पर आप फोटो सेल करके काफ़ी बढ़िया मनी अर्न कर सकते हो। और एंड में ये भी बताऊँगा कि आपको पर फोटो कितने पैसे मिलेंगे और कितने आप अर्न कर पाओगे मंथली, पूरा आपको मैं एस्टिमेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप भी एक फोटोग्राफर हो और अपने फोटोज़ को सेल करना चाहते हो। तो देखो यार, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं क्योंकि जो भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं उनको तो पता ही होता है कि भाई ऑनलाइन कैसे फोटो सेल करने हैं। मैं बात करने जा रहा हूं बिगनर लोगों की जो भाई रियली में चाहते हैं कि फोटो को सेल करना, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, दो स्टेप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको निश डिसाइड करनी है और कोई एक निश में आपको फोटोज क्लिक करनी है और फोटोज अपलोड करनी है जब भी आपके फोटोज बिकेंगे और लोग उसके बाय करेंगे। एग्जांपल से और आसान भाषा में समझाता हूं। देखो यार, फोटोग्राफी जो होती है ना वो अलग अलग निश में होती है, अलग अलग कैटेगरी में होती है। कोई स्पेस फोटोग्राफी कर रहा है, कोई नेचर की फोटोग्राफी कर रहा है, कोई एनिमल्स की फोटो ले रहा है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा है, कोई नेचर के फोटोज ले रहा है। तो गाइस, ये अलग अलग जो कैटेगरी होती है ना, इनमें कोई एक कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगी। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कि हम 10th के बाद कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स। तो वैसे ही गाइस, यहाँ पर आपको कोई एक कैटेगरी चूज करना पड़ेगी जिसमें आपको फोटोज लेने में मजे आते हो। क्योंकि आप कोई एक कैटेगरी में जाओगे ना, जब भी आपको वो लोग पहचान पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं नेचर की फोटो लेता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि भाई यार ये बंदा ना नेचर की फोटो काफ़ी बढ़िया लेता है, तो उससे एक मेरी पहचान बन रही है। तो गाइस, आपको कोई एक निच डिसाइड करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि भाई कब आपको लगे कि आप फोटो सेल करने के लिए रेडी हो। जब आप फोटो ले हो ना, तो आप लोगों को दिखाओ क्या ये रियली में फोटो अच्छा है। और जब आपको लोग बोलें कि भाई क्या फोटो लिए थे ना, तो समझ जाओ कि आप अब फोटो सेल करने के लिए रेडी हो। क्योंकि आपका फोटो रियली में इंपैक्ट कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई क्या फोटो लिया है, ऐसा फोटो मैं नहीं ले सकता, ये बंदा लिया है तो इसका फोटो अच्छा है। तो जब आपको लोग ऐसा बोले ना, तो समझ जाना कि आप अब फोटो सेल करने के लिए रेडी हो। तो ये दो पहले चेकलिस्ट में चेक कर लो कि भाई ये दो आपका है कि नहीं है। क्योंकि जब आपका फोटो किसी एक कैटेगरी में होगा तो सही है, और आपका फोटो रियली में लोगों को इंपैक्ट कर रहा है तो गाइस अब आप फोटो सेल करने के लिए रेडी हो। तो पहले ये दो स्टेप आपको करनी पड़ेगी। अब आती है तीसरी स्टेप कि अब हम फोटो सेल कैसे करें। तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नेट पर मिल जाएगी, गूगल करो, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। पर गाइस, जो सबसे बड़ी और सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूं। ऐसी दो वेबसाइट बताऊंगा। जो पहली वेबसाइट है, इसका नाम है गाइस शटरस्टॉक। अब शटरस्टॉक के बारे में शायद आप जानते होंगे, काफी बड़ी वेबसाइट है और शायद यहां से आपने फोटोज कभी ना कभी डाउनलोड भी करे होंगे। अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर जो ट्रैफिक है बायर्स का वो मिलियंस में आता है। आप सोचो कि वो भी एक फोटो आपका वायरल हो गया यहाँ पर, तो सोचो कितने पैसे आप कमा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर मिलियंस में बायर्स आते हैं। तो गाइस, आराम से गाइस यहाँ पर आप अपना धंधा चला सकते हो, अपने फोटो सेल कर सकते हो। आप कैसे करना है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर मैं पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और गाइस, यहाँ पर मैंने सर्च करा है शटरस्टॉक सेल फोटोज। फर्स्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पर हम जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पर ना आप फोटोज भी सेल कर सकते हो, वीडियो भी सेल कर सकते हो और भी बहुत कुछ सेल कर सकते हो, पर हम फोटोज की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी शटरस्टॉक की। उसके बाद यहाँ पर आप कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और उसके बाद गाइस आप यहाँ पर अपने फोटोज सेल कर सकते हो। पर उसके लिए आपको यहाँ पर अपने फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको करना पड़ता है फोटोज को ऑप्टिमाइज। क्योंकि अगर आप नेचर के फोटोज लेते हो और किसी बंदे को नेचर का फोटो ही चाहिए, तो वो आपके फोटोज कैसे सर्च करेगा। तो उसके लिए गाइस आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो फोटो है वो सर्च रैंकिंग में आए। तो उसके लिए गाइस आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज के लिए आप यहाँ पर टाइटल डालो, टैग्स डालो, आपने कौन सा कैटेगरी में फोटो लिया है, नेचर में लिया है या फिर एनिमल्स के फोटो लिए, तो उस कैटेगरी में यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका फोटो शटरस्टॉक पे लिस्ट हो जाएगा। अब जो भी बंदा है जो आपके फोटो में इंटरेस्टेड है, तो वो वहाँ से बाय कर सकता है और आप मनी अर्न कर सकते हो। तो पहली वेबसाइट तो ये थी शटरस्टॉक। अब कितना मनी अर्न कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब चलते हैं सेकंड वेबसाइट पे। जो सेकंड वेबसाइट है, इसका नाम है गाइस अडोबी स्टॉक। अब नाम तो अडोबी का आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इनकी वेबसाइट पर भी आप फोटो सेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर लिखना है अडोबी स्टॉक सेल फोटोज। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी इसे ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको अडोबी की पहले आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा शटरस्टॉक में था। यहाँ पर आप फोटो अपलोड करो, फिर ऑप्टिमाइज करो और फिर अपनी प्राइस सेट करके फोटोज़ को आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। और लिस्ट करने के बाद कोई भी बायर आराम से इनकी वेबसाइट से आपका फोटो ले सकता है। अब आती है सबसे मेन बात कि भाई अगर मेरा फोटो कोई बंदा बाय करता है, तो पर फोटो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना मनी अर्न कर पाऊंगा। तो देखो यार, मैं एक फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैंने जितना भी नेट पर जो दिखा है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एस्टिमेट कितना मनी मिलता है। अब देखो यार, यहाँ पर ना डिमांड और सप्लाई का गेम भी है। कुछ कुछ फोटोज़ के ना काफ़ी डिमांड्स होती है, तो अगर वैसा फोटो आप ले रहे हो तो गाइस आप काफ़ी बढ़िया मनी अर्न कर सकते हो। बट अगर आपका फोटो नॉर्मल है, सब दे रहे हैं, तो फिर आपके फोटोज़ के कम प्राइस मिलेंगे। तो देखो यार, नेट पे मैंने बहुत सर्च करा, रेडिट के फॉर्म्स पढ़े, मैंने यहाँ पर क्वारा चेक करा, और जितने
फोटोग्राफर्स हैं जिनने इन वेबसाइट पे फोटो सेल कर रखे हैं, उनने क्या रिव्यू दिए हैं और कितने उनका पैसा मिला है, तो गाइस वो सब देख के मुझे एक ना रफ एस्टीमेट मिला है। वो रफ एस्टीमेट के बीच में आप मनी अर्न कर सकते हो पर फोटो। तो वो रफ एस्टीमेट है $0.25 to $3। तो गाइस इसके बीच में आपको पर फोटो मनी मिलेगा। मतलब अगर आपका फोटो काफ़ी बढ़िया है तो आपको $3 मिल जाएंगे, अगर आपका फोटो ठीक ठाक है और लोग बाय कर रहे हैं तो आपको $0.25 मिल जाएंगे। इनके बीच में ही गाइस आप मनी अर्न कर पाओगे पर फोटो। अब ये सोच के देखो कि अगर आपका फोटो, यहाँ पर कोई एक फोटो काफ़ी बढ़िया बेस्ट सेलर बन जाता है, बहुत लोग उसे बाय कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ पर मिलियंस में ट्रॉफिक आता है इन वेबसाइट पे, तो कितने लोग वो फोटो बाय करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप काफ़ी बढ़िया मनी अर्न कर सकते हो। पर ऐसा भी मत समझ जाना कि आप पहले दिन ही लंबोर्गिनी ले आओगे, पहले दिन ही लाख दो लाख कमाने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि फोटोग्राफी एक क्रिएटिविटी है, तो आप कितना अपने यहाँ पर क्रिएटिव हो पाते हो और आप कितने तरीके से फोटो क्रिएटिव बना सकते हो, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है गाइस। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि देखो यार, ये शॉर्ट स्कीम नहीं है, ये कोई लक्ष्मी चिट फंड नहीं है, ये गाइस लॉन्ग टर्म का गेम है। आपको यहाँ पर फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, अच्छे फोटोज लेने पड़ेंगे, जब भी गाइस यहाँ पर आप बायर्स को फोटो बेच पाओगे और बायर्स आपके फोटो को देखेंगे। और यहाँ पर आप अगर आपने पहचान मान ली ना कि भैया ये बंदा नेचर की फोटोग्राफी काफ़ी गजब करता है, उसके बाद तो गाइस आपका काम मतलब बन गया आराम से। आपके फोटो ना $50-$100 में बिक जाएंगे अगर आपका नाम बन गया। तो गाइस इसके लिए लॉन्ग टर्म है, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, आपके फोटोज आपको रियली में अच्छे खींचने पड़ेंगे, जब भी गाइस यहाँ पर आप फोटो सेल कर पाओगे। पर एक बार आपका नाम बन गया, फोटो सेल होने लग गया, तो गाइस यहाँ से आप काफ़ी बढ़िया मनी अर्न कर सकते हो। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है आसान भाषा में। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप भी फोटो सेल करोगे, क्या आपके अंदर भी वो फोटोग्राफी का कीड़ा है। तो गाइस एक बार इन वेबसाइट पर जाओ और चेकआउट करो कि कौन कौन से फोटो सेल हो रहे हैं, वैसे फोटो खींचने की कोशिश करो। और गाइस अगर आप भी वैसे फोटो खींच लेते हो तो गाइस यहाँ पर आराम से आप फोटो सेल कर सकते हो। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट करके बताना वो लोग जिनने फोटो सेल कर रखे हैं, क्योंकि गाइस अगर वो आप डालोगे ना कमेंट में तो जो नए बिगनर लोग हैं ना गाइस वो भी एक बार देख के समझ पाएंगे कि भाई हाँ रियली में ऐसा होता है। तो गाइस अगर आपने कभी फोटो सेल करा है तो गाइस कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कितना आपने मनी अर्न करा और पर फोटो आपको कितने रुपए मिले। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको यार वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी जय हिंद जय भारत।